दोस्तों, पृथ्वी के अलावा इस वक्त चांद और मंगल पर जीवन की तलाश जारी है, तो इसी बीच शुक्र को लेकर भी खोज तेज हो चुकी है। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद चांद और मंगल पर पानी तलाश के अलावा कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। जीवन की तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा हटाया है जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, जिनको लेकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि इनके समृद्ध भंडार के चलते अब दूसरे ग्रहों पर जीवन का पता आसानी से चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस खोज के साथ ही वैज्ञानिकों ने पेंगुइन को लेकर एक ऐसा खुलासा किया कि आपका सिर चकरा जाएगा। वैज्ञानिकों ने पेंगुइन को लेकर कहा कि धरती पर ये जीव एलियंस ही हैं। हम आपको वीडियो में इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बड़ी खोज से ही रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पेंगुइन की पहेली से रूबरू करवाते हैं। क्या पेंगुइन ही हैं असली एलियंस? दोस्तों, धरती पर पेंगुइन शुरुआत से ही सबसे विचित्र जीवों में से एक है। ये एक ऐसा पक्षी है जो लंबी उड़ान नहीं भर सकता। एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए ये पैदल चलना पसंद करता है। ये जीव इतने प्यारे होते हैं कि आप घंटों इन्हें देख सकते हैं। लेकिन इन पक्षियों को लेकर अब एक अजीबोगरीब दावा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरती के बर्फीले इलाकों में पाए जाने वाले काले सफेद पक्षी पेंगुइन असल में एलियंस ही हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे बाकायदा कई सबूत भी दिए हैं। असल में वैज्ञानिकों को पेंगुइन्स के मल में एक खास तरह का रसायन मिला है जो शुक्र ग्रह पर भी पाया जाता है। ये खोज की है ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने इन पक्षियों के मल में फॉस्फीन नाम के रसायन की खोज की है। इस खोज ने पेंगुइन की उत्पत्ति के बारे में बड़े पैमाने पर अटकलों और सवालों को जन्म दिया है। वैज्ञानिक अब इस सवाल के जवाब की खोज कर रहे हैं कि शुक्र से 38 मिलियन मील दूर पृथ्वी पर फॉस्फीन कैसे पहुंच सकती है। रिसर्च के बाद अब वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पेंगुइन दूसरी दुनिया में मौजूद अलग अलग तरह के जीवों यानी एलियंस की पहचान करने में उनकी मदद कर सकते हैं। रसायन के बारे में ज्यादा जानने के लिए वैज्ञानिक अब गेन टू पेंगुइन्स की लाइफ स्टाइल पर रिसर्च कर रहे हैं, जो फॉकलैंड द्वीप समूह में आम है। रिपोर्ट के मुताबिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च से पहले पेंगुइन और फॉस्फीन पर शोध किया जा रहा है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के डॉक्टर डेव क्लेमेंट्स ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि फॉस्फीन की खोज वास्तविक है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कैसे बन रहा है। दरअसल एनेरोबिक बैक्टीरिया फॉस्फीन बनाते हैं। ये तालाब के कीचड़ और पेंगुइन के मल में पाए जाते हैं। साल 2020 में शुक्र के आसपास गैस की परतों में इस तरह के रसायन के निशान पाए गए, जिसका वातावरण पृथ्वी के समान है। वैसे दोस्तों, इस खोज के बाद वैज्ञानिक समंदर के आसपास एलियंस के पाए जाने वाली कई थियोरीज को खंगाल रहे हैं, तो इसी बीच एक और रिसर्च ने सबकी नींद उड़ा दी है। वैज्ञानिकों ने खोजे जीवन की उत्पत्ति वाले अणु। वो खोज ये है कि वैज्ञानिकों को आकाशगंगा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जखीरा मिला है। ये वही मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वजह से धरती पर जीवन शुरू हुआ था। बड़ी बात ये है कि इनके मौजूदगी को लेकर जितना सोचा गया था उससे ये 100 गुना से भी ज्यादा मात्रा में मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिले कहाँ हैं? तो दोस्तों, हमारी आकाशगंगा में करीब 400 अरब तारे हैं और हम तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह भी हैं। इसके अलावा लाखों ग्रह गोल्डिलॉक्स जोन में हैं, जहां पर पानी तरल के रूप में मौजूद है। इस रिसर्च के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन एली ने कहा कि ये बड़े और जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसी अंतरिक्ष के अलग अलग वातावरणों में मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने जिन मॉलिक्यूल की खोज की है उसकी लैबोरेटरी और थियोरेटिकल स्टडी से पता चलता है कि वे पृथ्वी पर बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के लिए कच्चे माल के रूप में जरूरी हैं। इस मामले में जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पहला जीवन आरएनए पर आधारित था, जो डीएनए के समान एक न्यूक्लिक एसिड होता है।
अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि कई ऐसे वातावरण हैं जहां हमने इन जटिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का पता लगाया है। वो उस जगह से काफी दूर हैं जहां हमारा मानना है कि ग्रहों का निर्माण होता है। अब वैज्ञानिक इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं ताकि इनसे जीवन का आगाज कैसे हुआ उसका पता लगाया जा सके।